हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल घूमना फिरना में आपका स्वागत है। हमने अपना एक टूर प्रोग्राम बनाया है और हमने अपनी गाड़ी को कैंपर वैन में कन्वर्ट किया है। उसमें बेड, किचन वगैरह की सारी सुविधाएं हमने अरेंजमेंट की है। हम एक ओवरलैंडिंग कैंपिंग के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं और उसकी सारी तैयारियाँ हमारी चल रही हैं। हमने अपनी पैकिंग भी कर ली है और पैकिंग अभी मैं आपको दिखवाता हूँ। इसके बाद आप देखिए कि हमारे ये सारी पैकिंग है जो कि गाड़ी में अरेंजमेंट होगा, इसको हम अपनी गाड़ी में अरेंजमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमने अपना सारा पैकिंग मटेरियल अपनी गाड़ी में सेट कर लिया है, सब अरेंजमेंट कर लिया है। यहाँ देखिए, ये हमारा किचन का सेटअप रेडी हो गया है। पूरी गाड़ी हमारी फुल भर गई है और अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं और हम आपको अच्छा सा एक टूर कराएंगे। दोस्तों, हमने अपनी गाड़ी में टंकी फुल कर ली है और ग्रेटर नोएडा से हम अब हाईवे से मेरठ, दिल्ली मेरठ हाईवे से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए निकल गए हैं। आप देखिए ये हाईवे कितना सुंदर, कितना लाजवाब नज़ारे हैं। बहुत ही दिल्ली मेरठ हाईवे बहुत अच्छा है। आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी अच्छे अच्छे नज़ारे, अच्छे अच्छे सीनरी, अच्छे अच्छे व्यूज आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। दोस्तों देखिए, अब हम लोग मेरठ के ना मेरठ टोल आ रहा है, टोल प्लाजा मेरठ के पास में, मेरठ में मेरठ बाईपास एंटर करेंगे। शानदार नज़ारा है, देखने लायक है। आप देखिए, अब हम लोग टोल पार करने वाले हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं मंसूरपुर हाईवे पर। बहुत अच्छा मैग्डी और सब ब्रांडेड रेस्टोरेंट है, बहुत फर्स्ट क्लास। यहाँ अच्छा रिफ्रेशमेंट है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही फेमस है। यहाँ पर अधिकतर सभी लोग रुक के और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेके और रेस्ट करके जाते हैं और सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। दोस्तों 3 बज गए हैं और भूख लग गई बहुत तगड़ी। और खाने में क्या प्रोग्राम है खाने का? सब्जी बना के लाई हूँ खाना। अच्छा, खाना यही बनाया हुआ है, तो हम लोग अब खाना खा लेते हैं। अब हम रुड़की से करीब 20 किलोमीटर पहले हैं और गुकाजी हमने पास किया है। अब हम उत्तराखंड में, यूपी से उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे। गाड़ी में हम लोग सफ़र कर रहे हैं, अभी तो ज़्यादा थके तो है नहीं। देखिए गाड़ी हमारी फुल है, पीछे से बिल्कुल सामान सब लोड है और हम बहुत जल्दी फिर हरिद्वार पहुँच जाएंगे। अब हम रुड़की से हरिद्वार वाले रास्ते पे चल दिए हैं। आप देखो कितना शानदार, क्या मस्त रोड है भाई, मज़ा आ गया। और बहुत ही स्मूथ रोड है, टाइम भी कम लगता है, बहुत कम समय में। अब दिल्ली से हरिद्वार भी टाइम अब 2 घंटे टाइम कम लगने लगा है। और हम लोग देखो ग्रेटर नोएडा से चले, अब फटाफट हरिद्वार पहुँच जाएंगे। कितने फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं आप देख सकते हो चारों तरफ। दोस्तों अब हम लोग हर की पौड़ी पे आ गए हैं और आप हर की पौड़ी का पूरा नज़ारा ले सकते हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और क्योंकि शाम का टाइम है और इस समय हर की पौड़ी पर मैक्सिमम रश हो जाता है क्योंकि आरती का समय होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। देखिए वो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, वहीं पर ही आरती उसी जगह पर होती है। सभी लोग आरती के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए आप, मैं आपको पूरा 360 व्यू। हमारी मेन साहब ने
गंगा स्नान करते हुए, आप देख सकते हो गंगा में डुबकी लगाते हुए, पापों को धोते हुए। अभी मैं और आपको दर्शन कराऊंगा आगे ले जाके, आप लोग बने रहिए। दोस्तों देखिए आरती शुरू होने वाली है, आप देखिए, मैंने आपको साथियों देख रही आप, आरती स्टार्ट होने वाली है और सभी लोग आरती के लिए खड़े हैं। दोस्तों देखिए हरिद्वार में अब रात्रि का आरती अभी हुई है, दोस्तों गंगा आरती के बाद इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम अपने ओवरलैंडिंग ग्रुप से पहली बार मिलेंगे और ग्रुप कैंपिंग करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।